हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज देखी थी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज वगैरह देखी थी। यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रियल एनालिसिस। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे जो चीजें हमें बीच में रियल एनालिसिस में चाहिए होंगे ना, वो हमने पहले से ही पढ़ ली थी। ठीक है, जिन चीजों का यूज होगा। अब हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा एडहेरेंट पॉइंट। क्या होता है एडहेरेंट पॉइंट? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझो, सब कुछ बहुत आराम से सुनना। ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिखी भी है बोर्ड पे, उसको पढ़ो आराम से समझो। ठीक है, तो एडहेरेंट पॉइंट सबसे पहले देखो, मैंने एक सेट लिया है ए, जो मेरा रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, एडहेरेंट पॉइंट कोई भी एक पॉइंट होता है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट किसी भी सेट का। ठीक है, सपोज करो मैं पी को बोल रही हूँ, पी बिलोंग्स टू आर, तो वो पी मेरा एडहेरेंट पॉइंट होगा सेट ए का, अगर पी के सारे नेबरहुड में, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए। लाइक पी के सारे नेबरहुड मैं दिखा सकती हूँ पी माइनस एप्साइलन और पी प्लस एप्साइलन से। ठीक है, एप्साइलन मेरा ग्रेटर देन जीरो है, मैंने एक एप्साइलन लिया है ग्रेटर देन जीरो, और एप्साइलन की वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हो, कितने से कितनी छोटी भी और कितने से बड़ी भी। सपोज करो दिस इज पी, तो इसका कोई भी नेबरहुड मैंने ले लिया, ये पी माइनस एप्साइलन और पी प्लस एप्साइलन, बिकॉज एप्साइलन पॉजिटिव है तो पी माइनस एप्साइलन पी से छोटा होगा और पी प्लस एप्साइलन पी से बड़ा होगा, तो ये मेरा एक नेबरहुड हो गया। अब एप्साइलन की वैल्यू मैं जितने छोटे से छोटा लूंगी, ये नेबरहुड मेरा उतना छोटा होता चला जाएगा, लेकिन हर एक नेबरहुड में, जब सोचो छोटे से छोटे नेबरहुड में ए का पॉइंट आ जाता है, मान लो बहुत छोटा लिया है एप्साइलन टेंस टू जीरो ले लिया मैंने, टेंस टू जीरो बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर लिया है, तो अगर उसी की नेबरहुड में ए का पॉइंट आ जाएगा तो बड़े नेबरहुड में तो खुद पे खुद आ जाएगा। ठीक है, तो हम किसी पॉइंट पी को जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, जरूरी नहीं है वो पॉइंट सेट ए में बिलोंग करना है। ठीक है, वो सेट ए में पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट पी जो मेरा रियल नंबर का एलिमेंट है उसको मैं एडहेरेंट पॉइंट बोलूंगी किसी भी सेट ए का, अगर उसके सारे नेबरहुड के अंदर, कोई भी अगर आप नेबरहुड लो, आर्बिट्री नेबरहुड आपने लिया, उसके अंदर ए के पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने अगर कोई ये नेबरहुड लिया है पी माइनस एप्साइलन और पी प्लस एप्साइलन, ठीक है, तो इसके अंदर ए का पॉइंट होने चाहिए, कितने भी पॉइंट हो मुझे मतलब नहीं है, एटलीस्ट एक पॉइंट तो होना ही चाहिए। समझ आया? जैसे अगर कोई ए का कोई आप एलिमेंट ले लो, मेरा कोई सेट ए है, उसमें मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया। ठीक है, अब मैं 1 का नेबरहुड ले लूं, 1 का नेबरहुड 1 माइनस एप्साइलन और 1 प्लस एप्साइलन, किस 1 के नेबरहुड में 1 तो आएगा ही ना, तो एटलीस्ट 1, तो मतलब किसी भी सेट के ये जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनके पास पॉइंट ऑफ ए तो है ही ना, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे एडहेरेंट पॉइंट खुद के सेट के होते हैं। 1 इज अ एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, 2 इज अ एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, 3 इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, 4 इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, 5 इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, लेकिन इसके अलावा और कोई एडहेरेंट पॉइंट एग्जिस्ट करता है ए का? नहीं करता, क्योंकि आपको ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका आप कोई भी नेबरहुड ले लो तो उसके अंदर वो पॉइंट हो ही हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सेट लिया ए, ये मैंने क्लोज्ड इंटरवल ले लिया 0 से 1 तक का, तो इसके अंदर मतलब, या फिर मैं तो इसके अंदर हर एक पॉइंट, कोई भी आप पॉइंट ले लो, सपोज करो 0 ही ले लूं, तो 0 भी एक एडहेरेंट पॉइंट होगा ए का। क्यों होगा? क्योंकि 0 का अगर आप कुछ भी कोई भी मतलब आप वो ले लोगे, नेबरहुड ले लोगे, जैसे 0 ये 0 माइनस एप्साइलन, ये 0 प्लस एप्साइलन, ठीक है, तो इसके अंदर 0 से 0 प्लस एप्साइलन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे ए के, तो इसलिए 0 इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ये पी ए के अंदर बिलोंग करना जरूरी नहीं है, इन दोनों एग्जांपल में ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन पी हमेशा सेट ए का मेंबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एडहेरेंट पॉइंट पी को मैं एडहेरेंट पॉइंट तब बोलूंगी किसी भी सेट का, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और देखो ये एडहेरेंट पॉइंट को हम क्लोजर पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कि अब हमें पता चल गया कि आप किस एलिमेंट को, किस पॉइंट को आप एडहेरेंट पॉइंट बोलोगे,
तो उन सारे पॉइंट्स के सेट को, जो एडहेरेंट पॉइंट है उनके सेट को, अगर मैं किसी सेट ए के एडहेरेंट पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो ऑल द मतलब सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए इज नोन एज एडहेरेंस ऑफ ए. उनको क्या बोलते हैं, एडहेरेंस ऑफ ए या फिर क्लोजर ऑफ ए, क्योंकि एडहेरेंस पॉइंट को आप क्लोजर पॉइंट भी बोलते हो. तो वो सेट जिसके अंदर सारे एडहेरेंट पॉइंट आ जाए सेट ए के, उसको हम सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, वो हमारा एडहेरेंस ऑफ ए होगा या फिर क्लोजर ऑफ ए आप उसको बोल सकते हो. उसको डिनोट कैसे करेंगे, ए डी एच ए से. ठीक है, इसके बाद हमारा आता है लिमिट पॉइंट. देखो अब हमारा आता है लिमिट पॉइंट. तो लिमिट पॉइंट की ये है डेफिनेशन, ये मैंने लिखी है कि कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट कब होगा. सपोज करो पी को मैं बोलती हूँ ये लिमिट पॉइंट है, एंड पी इज अ पी बिलोंग्स टू आर. ठीक है, और वही है मैं ए को मान लेती हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है, और मैं पी को बोल रही हूँ पी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए. कब बोलूंगी मैं वो सेट ए का लिमिट पॉइंट होगा, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो द ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन पी. समझ आया, मतलब कोई भी मैंने पी लिया है उसका मैं कोई भी आर्बिट्ररी नेबरहुड ले रही हूँ पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन, तो उसके किसी भी नेबरहुड के अंदर ए की पॉइंट्स होने चाहिए अदर देन पी. ठीक है, क्योंकि पी की पी तो हमेशा ही होगा. सपोज करो जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल आपको दिया था, ए है मेरा 1 2 3 4 5, तो 1 1 अगर मैं बोलूं 1, तो 1 का जो कोई भी अगर आप नेबरहुड लोगे तो उसमें 1 तो आएगा ही ना. तो 1 का मैं नेबरहुड लिया है 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, तो इसके अंदर 1 तो आएगा ही आएगा. ठीक है, तो वो एडहेरेंट पॉइंट तो कहला, 1 एडहेरेंट पॉइंट तो हो जाएगा, लेकिन वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा. क्योंकि लिमिट पॉइंट में कहा है कि उसके किसी भी नेबरहुड के अंदर पॉइंट्स आने चाहिए ए अदर देन पी. तो अगर आप पी यहाँ पर 1 ही ले रहे हो, तो पी को छोड़ के 1 को छोड़ के और कोई पॉइंट आ रहा है क्या इसके अंदर, 2 3 4 5 आ जाएगा क्या एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखूं, नहीं आएगा. सपोज करो एप्सिलॉन को मैंने हाफ ले लिया, पॉजिटिव नंबर लेना है ना, हाफ ले लिया, तो 1 माइनस हाफ 1 बाई 2 और 1 प्लस हाफ 3 बाई 2. 1 बाई 2 और 3 बाई 2 के अंदर कोई एलिमेंट है क्या ए का, 1 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है. तो पी है, और इसकी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि पी को आप लिमिट पॉइंट तभी बोलोगे अगर उसके किसी भी नेबरहुड के अंदर पॉइंट आने चाहिए ए के अदर देन पी. यहाँ पर लेकिन कोई पॉइंट नहीं आ रहा, सिर्फ पी आ रहा है, 1 ही आ रहा है, और 1 कंसिडर नहीं होगा. वो 1 एडहेरेंट पॉइंट में तो कंसिडर हो जाएगा, लिमिट पॉइंट में कंसिडर नहीं होगा. समझ आया. फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एक एग्जाम्पल ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने एक सेट लिया है, मैंने ये वाला 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4, ऐसे ऐसे करके 1 ओवर n ऐसे ही चलते चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये n कुछ नेचुरल नंबर है. तो आपको भी पता है, कि ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा तो 1 बाई n टेंड्स टू 0 जाएगा. तो 0 कभी होगा तो नहीं, लेकिन 0 की तरफ जा रहा है ये. और 1 मतलब इस अगर मैं बोलूं n बिलोंग्स टू दिस है, तो n मेरा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा. लेकिन 1 1 1 से छोटा कौन सा नंबर होगा n, 1 बाई 2. ठीक है, अरे 1 बाई 2 से बड़ा क्या है, 1. ठीक है, बाकी सारे 1 बाई 2 से छोटे हैं. ठीक है, 0 और बाकी सारे नंबर इसके बीच में आएंगे, 0 और 1 बाई 2 के बीच में फिर ये. ठीक है, तो 0 का अगर आप कोई भी इंटरवल लोगे, 0 का जैसे 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आप कितने से कितना कोई भी ले लो, पॉजिटिव नंबर लेना है ना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो कोई भी छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर लोगे तो उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स जरूर आएंगे. ठीक है, कोई भी एलिमेंट नंबर लोगे तो उसके अंदर ये वाले एलिमेंट जरूर आएंगे. तो इस सेट का लिमिट पॉइंट मेरा 0 हो जाएगा. ठीक है, तो लिमिट पॉइंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट को मैं लिमिट पॉइंट बोलूंगी अगर उसके हर एक नेबरहुड के अंदर एक पॉइंट आना चाहिए, एटलीस्ट एक पॉइंट तो ए का आना चाहिए अदर देन पी. ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि नेबरहुड को मैं एन बोल रही हूँ. ठीक है, मतलब नेबरहुड एनी आर्बिट्ररी नेबरहुड ऑफ
पी इज एन, जो मैं बोल रही हूँ ये हो गया, एन हो गया मेरा ये पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन के बीच का, ठीक है। तो कोई भी आर्बिट्री नेबरहुड पी का मैंने एन बोल दिया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये मैं सेट ए का बात कर रही हूँ, सेट ए के एलिमेंट आने चाहिए, तो एन इंटरसेक्शन सेट ए, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दो कौन सा एलिमेंट, पी, पी नहीं आना चाहिए। तो अगर इसके अंदर एन इंटरसेक्शन ए माइनस पी अगर वो फाइ के इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर वो फाइ के इक्वल नहीं है देन पी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ, पी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन। अब आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, अगर पी लिमिट पॉइंट है तो ठीक है, और अगर पी लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ए का तो उसको क्या बोलोगे, आइसोलेटेड पॉइंट। इफ पी इज अ लिमिट, दो ही केसेस पॉसिबल है ना, कोई भी मैंने पी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी एक पी लिया है जो एक रियल नंबर है, तो दो ही केस पॉसिबल है, या तो पी लिमिट पॉइंट होगा या पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो जब पी लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे वो आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। देखो अब क्या देखेंगे हम, डिस्क्रीट सेट क्या होता है, ड्राइव्ड सेट क्या होता है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पहले सेट ए का, वो एग्जांपल दिया था मेरा सेट ए है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मैं सेट ए के सारे एलिमेंट्स लूं तो इसके सारे एलिमेंट्स मेरे 1 2 1 भी मेरा लिमिट पॉइंट नहीं है, आइसोलेटेड पॉइंट है, 2 भी मेरा आइसोलेटेड पॉइंट है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और रियल नंबर भी कोई ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता जिसके हर एक नेबरहुड में तुम्हारे पॉइंट्स आ जाए सेट ए के, ठीक है। तो सेट ए क्या हो गया मेरा, डिस्क्रीट सेट हो गया, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। आप इसके सारे जितने भी पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 ये जितने भी हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स है ना, तो इस सेट को मैं क्या बोलूंगी, डिस्क्रीट सेट। और ड्राइव्ड सेट क्या होता है, मान लो ये कोई मेरा एक सेट ए है, जैसे मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल दिया था, सेट ए है मेरा 1 1 बाई 2 1 बाई 3, ऐसे ऐसे चलता चलता 1 बाई n और भी चलता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है, 0 इज लिमिट पॉइंट, तो एक मैंने सेट ले लिया बी जिसके अंदर है 0 वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला सेट मेरा क्या हो गया, ड्राइव्ड सेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए इज नोन एज ड्राइव्ड सेट। तो बी इज द ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, तो इसको b को आप a डैश भी लिख सकते हो, क्योंकि ड्राइव्ड सेट को मैं a डैश से रिप्रेजेंट करती हूँ, डिनोट करती हूँ, या फिर d ऑफ a से डिनोट करती हूँ, ठीक है। तो समझ आया ड्राइव्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट ए। तो a का ड्राइव्ड सेट ये b है, ठीक है, ड्राइव्ड सेट को a डैश से या फिर d ऑफ a से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगी, उसमें हम लोग देखेंगे कि लिमिट पॉइंट्स क्या है, ड्राइव्ड सेट्स क्या है, डिस्क्रीट सेट क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये डेफिनेशन। ये है हमारा एग्जाम्पल, तो इसमें 1, फिर 1.5, फिर 1 1 बाई 3, 1 1 बाई 4, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो इसको मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया, फिर लिखा है मैंने 1, ये 3 बाई 2, ये 4 बाई 3, 5 बाई 4, 6 बाई 5, ये देखो क्या हो रहा है, ये नीचे अगर n है तो ऊपर n प्लस 1 है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होता है, ये 1 है, ये क्या है 1.5, ठीक है, ये क्या है 1.33 समथिंग, ठीक है, ये 1.2 समथिंग है, और ये क्या है 1.2, ये 1.2 समथिंग है, ये 1.2 है, ऐसे ऐसे करके ये किससे ये कम होता चला जा रहा है ना, 1.5, 1.33, 1.2 समथिंग, 1.2, मतलब ये किसके क्लोज जा रहा है, 1 के क्लोज जा रहा है। और आपको पता है ऊपर n प्लस 1 है, नीचे n है, तो ये 1 टाइम ही कटेगा, 2 टाइम तो कभी जाएगा ही नहीं, तो 2 तो ये कभी होगा ही नहीं, और ये 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है, 1 की तरफ जा रहा है। और तो इसीलिए इसका जो लिमिट पॉइंट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी और आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके नेबरहुड, जिसका अगर आप नेबरहुड ले रहे हो, जैसे सपोज करो मैं पी कोई पॉइंट ले रही हूँ, तो पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन कोई मेरा नेबरहुड है, तो उसके अंदर आपका कोई भी एक पॉइंट ए का आ जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पर पी 1 ले रहे हो, तो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन में, ठीक है, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन,
तो 1 माइनस एप्साइलन और 1 के बीच में ही आप देखोगे कि इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आ जाएंगे एक ही, अदर देन 1. 1 तो आएगा ही लेकिन हमें अदर देन 1 देखना है ना. ठीक है, तो ए का ड्राइव डिसेट क्या हो जाएगा? ड्राइव डिसेट ऑफ ए इज दिस, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा और वो एक एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वो बोल रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ आर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ आर. कि आपने कोई सेट ऑफ रियल नंबर लिया हुआ है, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कोई भी रियल नंबर के सेट का लिमिट पॉइंट वो रियल नंबर ही होगा सारे, मतलब आर डैश इज इक्वल्स टू आर. ड्राइव द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ रियल नंबर, क्योंकि अगर मान लो कोई भी मैंने एक रियल नंबर लिया है पी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसको मैं बोल रही हूँ इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट आर, रियल नंबर की बात कर रही हूँ मैं, तो पी बिलोंग्स टू आर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट आर. तो इसका मतलब क्या है कि इसके हर एक नेबरहुड के अंदर पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन के अंदर क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स होने चाहिए फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर. तो आप कोई भी रियल नंबर ले लो, उसको कोई भी आप नेबरहुड ले लो, ठीक है, कोई भी नेबरहुड ले लो, ये ले लिया, ये पी है, ये पी माइनस एप्सिलॉन है और ये पी प्लस एप्सिलॉन है, तो कोई भी आप नेबरहुड ले लोगे तो उसके अंदर ये जो बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं ये क्या है? रियल नंबर ही तो है. तो कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए पी बिलोंग्स टू आर, कोई भी आपका पी आर्बिट्ररी है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, तो उसकी किसी भी नेबरहुड के अंदर इनफाइनेटली मैनी रियल नंबर्स होंगे. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ आर. तो अगर मैं सेट निकालने लगी लिमिट पॉइंट ऑफ रियल नंबर का, तो वो खुद से ही एक रियल नंबर आ जाएगा. तो इसीलिए मैंने बोला है आर डैश इज इक्वल्स टू आर, मतलब ड्राइव्ड सेट ऑफ रियल नंबर इज अ रियल नंबर. इसके बाद ये हमारा अगला एग्जाम्पल है, इसके अंदर क्या है कि एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट क्यू. सेट क्यू क्या है हमारा? रैशनल नंबर्स का सेट. तो आप देखो कि ये बोल रहे हैं कि रियल नंबर इज द ड्राइव्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, कि अगर मैं कोई भी एक रियल नंबर लेती हूँ पी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, पी मेरा एक कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर है, तो उसका मैं कोई भी नेबरहुड लू, आर्बिट्ररी नेबरहुड लेती हूँ पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन, तो इसके अंदर इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स होंगे रेशनल नंबर्स के अदर देन पी. ठीक है, पी आपका हो सकता है रेशनल नंबर है, और ये भी हो सकता है कि वो रेशनल नंबर ना हो, कोई इरेशनल नंबर ले लिया, सपोज करो रूट थ्री ले लो आप, ठीक है, रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, तो रूट थ्री का कोई नेबरहुड लो, रूट थ्री माइनस एप्सिलॉन और रूट थ्री प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन कुछ भी ग्रेटर देन जीरो आप कुछ भी ले सकते हो, इतने से छोटा भी ले सकते हो, बड़े से बड़ा, आर्बिट्ररी है ये, ठीक है, एप्सिलॉन हमारा आर्बिट्ररी है, तभी तो हमारा नेबरहुड आर्बिट्ररी होगा कि कोई भी नेबरहुड हो, हर एक नेबरहुड के अंदर होना चाहिए, ठीक है, तो रूट थ्री माइनस एप्सिलॉन और रूट थ्री प्लस एप्सिलॉन के अंदर इनफाइनेटली इन दोनों के बीच में इनफाइनेटली मेनी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, आपने ये चीज पता हो गया आपकी कि दो रियल नंबर है उनके बीच में इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स होते हैं और इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं बल्कि, ठीक है, तो रेशनल नंबर्स इनफाइनेटली मेनी होते हैं तो रियल तो हो ही जाएंगे क्योंकि रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, तो इसीलिए ड्राइव्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर इज रियल नंबर. कि आप कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका कोई भी आर्बिट्री अगर मैं नेबरहुड लूंगी तो उसके अंदर रैशनल नंबर के एलिमेंट्स होंगे ही होंगे, इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स होंगे रैशनल नंबर के अदर देन पी, ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट क्यू, मतलब क्यू का अगर मैं ड्राइव्ड सेट बोलूं तो वो क्या है? मेरा रियल नंबर है. तो आप ये देख रहे हो ड्राइव्ड सेट ये जरूरी नहीं है कि छोटा होगा किसी सेट का. अगर मैं सेट ए के ड्राइव्ड सेट की बात कर रही हूँ तो वो सेट ए के जितना भी हो सकता है, सेट ए से छोटा भी हो सकता है और सेट ए से बड़ा भी हो सकता है, ड्राइव सेट की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा कि इंटीजर्स का सेट होता है सेट जेड, उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, द सेट जेड हैज नो लिमिट पॉइंट. क्यों? इंटीजर्स कैसे होते हैं? ऐसे माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, ऐसे ही तो होते हैं, ठीक है. अब सपोज करो मैं बोल रही हूँ पी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ पी
the limit point of set Z. तो P का कोई भी नेबरहुड हो गया P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, तो इसके अंदर क्या जरूरी है कि इंटीजर्स आएगा या आएगा? यहां मैं रियल नंबर लूंगी, दो रियल नंबर के बीच में इंटीजर आए ये जरूरी नहीं है, दो रैशनल नंबर के बीच में इंटीजर आए ये जरूरी नहीं है, दो इंटीजर्स के बीच में भी इंटीजर आए ना ये भी जरूरी नहीं है कि जीरो और वन के बीच में क्या इंटीजर आ जाएगा, नहीं, ठीक है? तो ये कभी केस बनेगा ही नहीं, ठीक है? इसीलिए सेट ऑफ इंटीजर्स हैज नो लिमिट, ठीक है? देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट दिस क्लोज इंटरवल 0 1 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है? कि हर एक एलिमेंट इसका इस सेट का लिमिट पॉइंट है, मतलब इसमें अगर मैं बोलूं कि 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, यस 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट 0 1, क्योंकि 0 का अगर आप कोई भी नेबरहुड ले लोगे ना, 0 प्लस एप्सिलॉन, 0 से 0 प्लस एप्सिलॉन तो आएगा ही उस नेबरहुड में, ठीक है? एप्सिलॉन कुछ पॉजिटिव नंबर है और 0 प्लस एप्सिलॉन में कुछ तो आएगा ना 0 से 0 1 में, ठीक है? होगा या नहीं होगा? होगा, तो 0 भी होगा 1 भी होगा, इंक्लूडेड है, तो इसीलिए बोला एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, ठीक है? तो इस सेट का ड्राइव्ड सेट क्या हो गया ये वाला, क्योंकि ड्राइव्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए, तो सेट ए ये है तो उसके सारे लिमिट पॉइंट्स मेरे ये हैं, तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज नोन एज द ड्राइव्ड सेट, सो द ड्राइव्ड सेट ऑफ दिस सेट इज दिस, ठीक है? ये अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना अपना डाउट, ठीक है? वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई भी डाउट ना आए, मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देती हूँ हमेशा, प्रॉपर्टीज में भी ना छोटी छोटी चीजों को बताने की कोशिश करती हूँ, मतलब अगर कुछ चीजें डेफिनेशन में रह जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ एक प्रॉपर्टीज में हो जाए, सो देट आपको पढ़ते पढ़ते लगे ना कि अरे यार ये भी तो हो सकता है ये भी हो सकता है, वो सारी चीजें मैं प्रॉपर्टीज में डाल देती हूँ। आप कभी भी देखो प्रॉपर्टीज काफी इलेबोरेट करके मैं बताती हूँ, ठीक है? तो पेशेंस के साथ मेरी पूरी वीडियोस देखा करो, ठीक है? और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? तो इसके बाद वाले एग्जांपल पे चलते हैं। देखो ये इस एग्जांपल में मैंने सेट एस लिया है और ये सेट एस है मेरा 1/m प्लस 1/m, ठीक है? यहाँ पर एम भी मेरा एक नेचुरल नंबर है और एम भी मेरा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है? तो 1/m एक इंटी वो हो गया रेशनल नंबर, हो गया रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, कुछ रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है? तो ये मेरा एक एलिमेंट है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट के अंदर, तो मैं बोल रही हूँ कि इस सेट का लिमिट पॉइंट ये वाला सेट 1/m, कि 1/m आप कुछ भी ले लो क्योंकि 1/m प्लस 1/n है और n मेरा नेचुरल नंबर है, तो n ये आपका मतलब 1/m प्लस ये नेचुरल नंबर कुछ भी आएगा, जैसे तो 1/1 आएगा, तो 1/m प्लस 1 भी आएगा, 1/m प्लस 1/2 भी आएगा, 1/m प्लस 1/3 भी आएगा, तो ये छोटे से छोटा जाएगा प्लस 1/, मतलब ये 0 तक जाएगा, बहुत छोटे से छोटा जाएगा प्लस में 0 से, ठीक है? तो इस चक्कर में मैं बोल रही हूँ जो सेट ए होगा 1/m जहां पर m मेरा नेचुरल नंबर होगा, तो वो मेरा लिमिट पॉइंट वो ड्राइव्ड सेट होगा इस सेट का, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट मेरे इस सेट के लिमिट पॉइंट होंगे, क्योंकि ये कोई एक एलिमेंट मैंने 1/m से डिनोट किया है, तो इसका कोई भी नेबरहुड देख लो 1/m माइनस एप्सिलॉन और 1/m प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर 1/m से लेके 1/m प्लस एप्सिलॉन तो कुछ आ रहा है ना, ठीक है? और आप यहाँ देख लो 1/m प्लस 1/n है, n मेरा एक नेचुरल नंबर है, तो जैसे ही चलते चले जाएगा ना 1/2 1/3 1/4 1/5, तो एप्सिलॉन आप छोटे से छोटा रख सकते हो और आप बड़े से बड़ा रख सकते हो, एक ना एक 1/n तो जरूर आ जाएगा, मतलब एक ना एक रैशनल नंबर तो इसके अंदर जरूर आ जाएगा 1/m से 1/n प्लस 1 तक। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो सेट S है इसका ड्राइव्ड सेट ये S डैश है, ठीक है? दिस ड्राइव्ड सेट ऑफ सेट S इज दिस सेट A, ठीक है? तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सेट S, क्लियर है? अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पर,
तो प्रॉपर्टीज में मेरी पहली प्रॉपर्टी है ये सेट मे और मे नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट. कि ये जरूरी नहीं है कि सेट की लिमिट पॉइंट होंगी. मैंने एग्जांपल दिया था सेट ऑफ इंटीजर्स. सेट ऑफ इंटीजर्स डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट दिया था ना एग्जांपल. तो ऐसा हो भी सकता है कि कोई गिवन सेट है तो उसका लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे आपको, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास कोई लिमिट पॉइंट हो ही ना. दूसरी प्रॉपर्टी कहती है लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग टू अ सेट. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट पॉइंट आपका सेट में बिलोंग कर रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट पॉइंट आपका सेट में बिलोंग नहीं कर रहा. मैंने अभी टीवी से एग्जांपल लिया था 1/n+1/n वाले सेट का लिमिट पॉइंट है 1/n. ठीक है, तो वो मेरा 1/n वो बिलोंग वो उस केस में क्या हो रहा है कि वो बिलोंग नहीं कर रहा मेरे सेट में. ठीक है, क्योंकि 1/n कभी भी मेरा 1/n+1/n के अंदर बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है, कभी भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 1/n कभी भी जीरो नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये तो नहीं बिलोंग करने वाला केस हो गया. और एक मैंने बोला था कि रियल नंबर का ड्राइव्ड सेट रियल नंबर ही होता है. तो मतलब रियल नंबर के अंदर सारे लिमिट पॉइंट्स हैं खुद के सेट के. ठीक है, तो लिमिट पॉइंट हो सकता है कि सेट में बिलोंग भी करे और हो सकता है कि सेट में बिलोंग ना करे. समझ आया? फिर थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कि एवरी रेशनल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर. इसका सिंपल सा मीनिंग अगर मैं इसको सिंपल सी भाषा में बोलूं तो इसका मतलब है दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर है और दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर. समझ आया? देखो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर. ठीक है, कि मैंने एक सेट लिया है इरेशनल नंबर का क्यू डैश. ठीक है, और क्यू डैश का ड्राइव्ड सेट मतलब क्यू डैश का डैश इसका जो ड्राइव्ड सेट होगा वो रैशनल नंबर का सेट होगा क्यू. क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा मतलब कि लिमिट पॉइंट्स इसके क्या होंगे? क्यों होंगे कि अगर मैं कोई भी रैशनल नंबर लेती हूँ लाइक 2/3 और 3/3 ले लिया, 2/3 और 1/1 ले लिया, 1 और 2/3 ले लिया मैंने. ठीक है, तो इसके बीच में एक रैशनल नंबर जरूर होगा. ठीक है, इसके बीच में एक रैशनल नंबर जरूर होगा. दो रैशनल के बीच में हमेशा एक रैशनल नंबर होगा और दो इरेशनल के बीच में हमेशा एक रैशनल नंबर होगा. देखो अभी के लिए ना ये प्रॉपर्टी याद रख लो बिकॉज इसको हम बाद में लेटर ऑन हम इसको प्रूव करेंगे. ठीक है, अभी के लिए जैसे आपको मुझे तो लगता है पता ही होगा कि दो रैशनल के बीच में इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनेटली मैनी रैशनल्स मिल जाते हैं और दो इरेशनल के बीच में बहुत सारे रैशनल्स मिल जाएंगे. रूट टू रूट थ्री है इसके बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे? इनफाइनेटली मैनी. ऐसे ही दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिल जाते हैं. इसी के चक्कर में है ये एवरी रैशनल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 4. लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर और एम को मैंने सुप्रीमम बोला है ऑफ सेट ए. तो अगर एम ए के अंदर नहीं होगा ना तो एम लिमिट पॉइंट होगा सेट ए का. क्यों होगा ऐसा? एम को मैं बोल रही हूँ कि सुप्रीमम है ए का, मतलब एम से बड़ा एलिमेंट या एम के बराबर वाला एलिमेंट, एम या फिर एम से बड़ा एलिमेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ये मेरा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए है. ठीक है, एम से बड़ा एलिमेंट या एम वो मेरा ए के अंदर नहीं है. ठीक है, और एम क्या है मेरा? सुप्रीमम है. क्या है? सुप्रीमम है. इसका मतलब समझ रहे हो कि अपर बाउंड सेट के अंदर नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड है ना, तो कोई भी अपर बाउंड सेट के अंदर नहीं है. तो हम बोल रहे हैं कि देन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में एम मेरा लिमिट पॉइंट हो जाएगा सेट ए. एम इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए. क्यों?
कोई भी नेबरहुड ले लो, एम का मैं कोई भी आर्बिट्ररी नेबरहुड ले लूंगी, तो वो जाएगा एम माइनस एप्सिलॉन और एम प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एम या एम पी एम इसके अंदर देखो ये मेरा एम हो गया, ठीक है, ये हो गया एम प्लस एप्सिलॉन और ये हो गया मेरा एम माइनस एप्सिलॉन। तो ए के अंदर एम या फिर एम से कोई बड़ा नंबर तो है नहीं, लेकिन एम से कोई छोटा नंबर, जस्ट उससे छोटा नंबर जरूर होगा, क्योंकि ये एम सुप्रीमम है ए का और एम ए के अंदर है ही नहीं। जब वो ए के अंदर नहीं है ना, ये एम अगर ए के अंदर नहीं है ना, तो इससे छोटा, बहुत छोटा एलिमेंट आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एम और एम माइनस एप्सिलॉन के बीच में एटलीस्ट एक एलिमेंट आपको ए का मिल जाएगा, ठीक है, अदर देन एम, एम तो है ही नहीं फिर, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि अगर ए मेरा कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का और एम उसका सुप्रीमम है ए का, और एम ए के अंदर है भी नहीं, तो एम मेरा लिमिट पॉइंट होगा सेट ए का। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, मैंने एक सेट लिया है दिस वन, जीरो से वन, और ये ओपन इंटरवल ले लिया, ठीक है। अब मुझे सुप्रीमम इसका डायरेक्ट दिख रहा है, इसका सुप्रीमम है मेरा, ये सेट ए ले लिया, तो सुप्रीमम ऑफ ए, ये डायरेक्ट मैं बोल सकती हूँ सुप्रीमम ऑफ ए वन है, क्या बोल रही हूँ, वन है। आप मुझे बताओ वन माइनस एप्सिलॉन और वन प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, इस ओपन इंटरवल के अंदर ए का पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, अदर देन वन, वन तो खैर है ही नहीं इसमें, करेगा या नहीं करेगा, करेगा भाई, वन माइनस एप्सिलॉन और वन के बीच में ही ना, वन से वन प्लस एप्सिलॉन तो जाओ मत, वन माइनस एप्सिलॉन और वन के बीच में ना इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आ जाएंगे ए के, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आ जाएंगे ए के, ठीक है। ऐसे आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे मतलब आप और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स में ले सकते हो, जो मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी बताई थी ना, उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी सेम ही है, बस सुप्रीमम की जगह वहां पर इन्फीमम आ जाएगा, ठीक है। अगर इन्फीमम, इन्फीमम मेरा किसी भी सेट का इन्फीमम उस सेट में बिलोंग नहीं करता ना, तो वो इन्फीमम उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखी है। सेम जो सुप्रीमम की प्रॉपर्टी है वही इन्फीमम के लिए आप अप्लाई करते हो, कि अगर इन्फीमम भी मेरा सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, किसी भी सेट का इन्फीमम, सेट ए का इन्फीमम ले रही हूँ मैं, और वो सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो मतलब वो सेट ए का लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर सिक्स पे आ गई हूँ। प्रॉपर्टी सिक्स क्या कहती है, कि ए और बी मेरे सेट है रियल नंबर के, ठीक है। तो ए इज अ सब, तो अगर ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब है कि ए का ड्राइव सेट भी मेरा बी के ड्राइव सेट के का सबसेट होगा। कैसे आप इसको विजुअलाइज आराम से कर सकते हो, कि ए मेरा बी का सबसेट है, मतलब अगर ये पूरा मैं बी ले लेती हूँ, तो ए इसके अंदर ही है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो इस तरीके से मैं वेन डायग्राम में शो कर सकती हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए का जो ड्राइव सेट होगा, तो अब आप सोचो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे बी के अंदर है, और बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो बी के लिमिट पॉइंट्स भी तो होंगे, क्योंकि बी के अंदर भी तो वो एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर हैं, ठीक है, प्लस बी के अंदर वो एलिमेंट्स भी हैं जो ए के अंदर नहीं है, तो मतलब बी के पास कुछ एक्स्ट्रा लिमिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं, बी के पास कुछ एक्स्ट्रा लिमिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज उसके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो ए के अंदर नहीं है। तो जो बी के लिमिट पॉइंट का सेट है, जिसको आप ड्राइव्ड सेट ऑफ बी बोलोगे या फिर बी डैश बोलोगे, वो ए के लिमिट पॉइंट के सेट से बड़ा होगा, ठीक है। और ए के जो लिमिट पॉइंट के सेट होगा वो सबसेट होगा बी के लिमिट पॉइंट के सेट का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो, दूसरा हो रहा है कि ए और बी मेरे दो सेट है रियल नंबर के, तो ए यूनियन बी का जो ड्राइव्ड सेट होगा ना, वो ए का ड्राइव्ड सेट यूनियन बी का ड्राइव्ड सेट होगा। ए और बी अब मेरे कोई भी दो ये सेट हो गए, ठीक है। अब मैंने इनका यूनियन किया, मैं मैक्स टू मैक्स ये मान सकती हूँ कि इनमें कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो मैंने अलग अलग बना दिया, ठीक है। तो ए यूनियन बी किया, तो एक ये बन गया मेरा, ये हो गया ए यूनियन बी, तो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए, ए के भी एलिमेंट आ गए और बी के भी एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो अब मैं इसका ड्राइव्ड सेट निकालूंगी, तो ए का जो ड्राइव्ड सेट होगा
वो ए डैश होगा और बी का ड्राइव डिसेट होगा वो बी डैश होगा. तो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के एलिमेंट्स हैं, तो इन सारे एलिमेंट्स के जो लिमिट पॉइंट होंगे वो किसके अंदर होंगे, ए डैश यूनियन बी डैश में. ठीक है, सिमिलरली ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी है कुछ, ठीक है, दिस इज ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका जो ड्राइव सेट होगा वो ए का ड्राइव सेट इंटरसेक्शन बी का ड्राइव सेट का सबसेट होगा. वो क्या होगा, सबसेट होगा. यहाँ पर हमने इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया भाई, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कुछ हमें एलिमेंट्स मिले, ठीक है, उनका जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो जरूरी थोड़ी ना है कि ए के जो लिमिट पॉइंट्स होंगे इंटरसेक्शन और जो बी के लिमिट पॉइंट होंगे उनके इंटरसेक्शन के लिमिट पॉइंट होंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों ए इंटरसेक्शन मतलब बी के अंदर, मतलब या फिर ए के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हों जिनका ड्राइव सेट बी के अंदर के एलिमेंट के ड्राइव सेट के जैसा हो, ऐसा भी हो सकता है ना, तो इसलिए ये सेट मेरा हमेशा बड़ा है. ये प्रॉपर्टी इनका मैं प्रूफ वैसे नहीं करके दिखा रही हूँ, मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझा रही है, आई होप विजुअलाइज आप कर पा रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टीज क्यों लिखी गई है, ठीक है. बाकी इनका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये काफी ऑब्वियस है ये तीनों प्रॉपर्टी, तो इनको ध्यान में रखना काफी इम्पोर्टेंट भी है कि ए और बी हमारे अगर कोई सेट है रियल नंबर के, तो ए अगर बी का सबसेट है तो ड्राइव सेट ऑफ ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ बी. ड्राइव सेट ऑफ ए के अंदर क्या होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, ठीक है. ऐसे ही ए यूनियन बी का जो ड्राइव सेट होगा दैट इज ए का ड्राइव सेट यूनियन बी का ड्राइव सेट, क्योंकि यहां पर अगर कुछ डुप्लीकेसी हो भी जाती है तो वो यूनियन के अंदर आप सिंगल नहीं लिखोगे, लेकिन यहाँ के अंदर नहीं लिख पाओगे. तो ये हमेशा सबसेट होता है, ए इंटरसेक्शन बी का जो ड्राइव सेट होगा वो सबसेट होगा ए का ड्राइव सेट इंटरसेक्शन बी का ड्राइव सेट, ठीक है. सो प्लीज डू रिमेम्बर दीज प्रॉपर्टीज. ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अभी तक क्या था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट बी उसको मैं लिमिट पॉइंट बोलूंगी if and only if every neighborhood of P contain at least one point of A other than P, at least one. But actual में at least one कभी होता नहीं है, मतलब at least one तो हो जाएगा लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एक या दो या फिर infinite points होते हैं. अगर होते हैं तो infinitely many points होते हैं एक, वरना एक भी point नहीं होता, मतलब अगर वो limit point है तो infinitely many points होंगे उसके अंदर एक other than P, ठीक है. अदरवाइज वो P लिमिट पॉइंट हमारा होगा ही नहीं सेट, ठीक है. डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था, P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स एटलीस्ट सिंगल पॉइंट ऑफ A अनदर देन P, ठीक है. एटलीस्ट सिंगल पॉइंट होना चाहिए, बट एक या दो या फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कभी नहीं होंगे. अगर वो P लिमिट पॉइंट है तो उसके हर एक नेबरहुड के अंदर, कोई भी अगर आप नेबरहुड लेते हो तो उसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है. दिस इज द फैक्ट. तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है. दूसरा, अब हमने 7th प्रॉपर्टी में देखो क्या बोला कि उसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे ए के, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए मतलब उस सेट ए के अंदर खुद इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होने चाहिए ना. इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है, सिर्फ फाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो उसका कभी कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था ए 1 2 3 4 5 ए, ठीक है, तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फाइनाइट सेट हो गया ना ये, तो इसके पास कोई लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता. क्योंकि इससे पहली वाली प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया कि अगर पी मेरा लिमिट पॉइंट है तो उसके हर एक नेबरहुड के अंदर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट होने चाहिए किसी भी सेट के जिसके तुम लिमिट पॉइंट वो बोल रहे हो, ठीक है, अदर देन पी. तो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट इस सेट के तो तब होंगे ना जब इस सेट के अंदर खुद इनफाइनेटली मेनी पॉइंट होंगे, ठीक है. तो अगर हमारा सेट फाइनाइट है ना तो उसका कभी भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता. तो देख लो, सेट को देख के पता चल जाता है फाइनाइट सेट कौन सा है, इनफाइनाइट सेट कौन सा है. अगर फाइनाइट है तो उसका लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता. समझ आए? तो ये प्रॉपर्टीज पता है आपको क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेंगी जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे आपके,
तो उसमें जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो उसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अगर आपको पता होंगी तो आप डायरेक्ट वहां पर लगा देंगे, वहां पर आप बार बार डेफिनेशन सोचने नहीं रहेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस हद तक होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको ऐसे दिमाग में बैठा लेनी है कि आप एकदम से अप्लाई करते हो। अच्छा, आपको दिखा नहीं ये तो फाइनाइट सेट है, तो इसका तो कोई लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता, समझ आया। तो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी ये नाइन्थ प्रॉपर्टी आती है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मेरा इनफाइनाइट है सेट रियल नंबर का, ठीक है, और वो बाउंडेड भी है, ठीक है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, और ए क्या है मेरा बाउंडेड है, सॉरी ये रियल नंबर का सेट ही होना चाहिए, नॉट सबसेट ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर का ही सेट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो बाउंडेड है और इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है, जैसे कि आपका ये 0 से 1, 1 से 2, ठीक है, ये मेरे बाउंडेड भी है सेट, ठीक है, या फिर ऐसे ओपन इंटरवल ले लो 0 से 1, तो ये सेट मेरे बाउंडेड भी है, तो हर एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर उसके पास लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है, और आपको पता है इसके कितने सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इसके पूरे लिमिट पॉइंट्स यही होंगे, है ना। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी नंबर 10। अभी तक हमने ये पढ़ा कि फाइनाइट सेट अगर होगा तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, ए अगर मेरा इनफाइनाइट सेट है तो उसके पास हो सकता है कि लिमिट पॉइंट हो, ठीक है, हैज लिमिट पॉइंट और डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट, ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। फाइनाइट सेट के लिए आप श्योरली बोल सकते हो कि उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगी, लेकिन इनफाइनाइट सेट के पास हो भी सकते हैं लिमिट पॉइंट्स और नहीं भी हो सकते। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी, अगर वो इनफाइनाइट सेट मेरा बाउंडेड सेट है और रियल नंबर का सेट है तो उसके पास लिमिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, लेकिन अगर वही इनफाइनाइट सेट इंटीजर को ले लो, ये इनफाइनाइट सेट है, ये मेरा माइनस इन्फिनिटी, ऐसे तो चलता है ये -3, -2, -1, तो इधर तरफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर से 0, 1, 2, लेकिन इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो इनफाइनाइट सेट के साथ दोनों केसेस हैं, तो उसके पास लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो यही हमारी 10 प्रॉपर्टीज थी लिमिट पॉइंट की। तो इस वीडियो में मैंने एडहेरेंट पॉइंट बताया, लिमिट पॉइंट बताया, आइसोलेटेड पॉइंट बताया, डिस्क्रीट सेट बताया, ड्राइव सेट बताया और प्रॉपर्टीज बताई है लिमिट पॉइंट। अच्छे से यार इनको देख लेना, कोई भी डाउट हो तो बहुत आराम से आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, थोड़ा मुझे मोटिवेट करो, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं मतलब कुछ आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज, ठीक है, यहाँ तक ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ओके, बाय बाय।